हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास यहाँ पे न्यू टाटा नेक्सन है। टाटा नेक्सन का ये XMS वेरिएंट है जिसके अंदर हम लोग बहुत सारा अभी काम करने वाले हैं। जैसे कि अभी आपको शुरू में दिखाएं तो अभी इसके अंदर हम जो लगा रहे हैं ये एम्बियंट लाइटिंग लगा रही है पूरी इसके अंदर, जो लुक बहुत अच्छा आता है इसका। पूरा कंट्रोलेबल ये जो रहेगी ये ऐप के थ्रू रहती है। इसके अंदर एटमॉस्फेयर लाइट भी है जो कि हम इधर लगाएंगे नीचे साइड में इसके, और पूरा जो एम्बियंट है गाड़ी का एक ही ऐप से पूरा कंट्रोल कर पाएंगे, जिसमें आपकी ये जो EL वायर है ये भी कंट्रोल होगा और जो नीचे एटमॉस्फेयर है वो भी कंट्रोल होगा। इसके अंदर हमने इंस्टॉल किए हैं अभी JBL के ट्विटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये JBL के ट्विटर जो हैं, यहाँ पे हमने इसकी वायरिंग पूरी कर दी है। ये JBL ट्विटर का जो एम्पलीफायर होता है ये वो लगा हुआ है, और ये कपलर्स हैं जो कि इसके गेट में हमने जो स्पीकर्स लगाए हैं छोटे छोटे ट्विटर्स जो लगाए हैं उसके लिए हमने वो कपलर्स को ओपन कनेक्ट करके उसमें हम कनेक्ट करने वाले हैं। साथ ही हम लगाने वाले हैं इसमें ऑटोग्राफिक्स की जो पूरी वुडन ट्रिम किट होती है, पेनाकल किट होती है, पूरी इसके अंदर जो किट रहेगी वो डैशबोर्ड और अपने गेट पैनल्स जो हैं उसके अंदर लगाने वाले हैं। तो ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है ये। जब लग जाएगी तो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से गाड़ी में लगाते हैं हम लोग और कैसा अपन को ये लगता है लगने के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास कार DVR सिस्टम है जो कि हम इसके अंदर अभी लगाएंगे। इसके अंदर जो है 10 इंचेस की स्क्रीन रहती है पूरी है। यहाँ पे आपको दिखती होगी ये 10 इंचेस की स्क्रीन है, खोल के दिखाते हैं हम आपको इसको। ये जो है पूरी 10 इंचेस की स्क्रीन रहती है, और इस स्क्रीन में जो है आपको दो कैमरे देखने को मिलेंगे। एक बैक कैमरा होता है, एक ये इसके लिए फ्रंट कैमरा होता है। ये पूरे एडजस्टेबल रहते हैं, जो कि इसकी वर्किंग हम जब गाड़ी में लग जाएगा तो हम आपको पूरी वर्किंग दिखाएंगे इसकी किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैक कैमरा है जो कि फुल्ली एडजस्टेबल होता है। इसको हम अंदर से भी एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि हम आपको आगे वर्किंग में दिखाएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। हम पूरी टाटा नेक्सन का पूरा एक नया मॉडिफिकेशन जो है वो हम करने वाले हैं, वो हम आप। तो दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉलेशन अब हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर हमने जो एटमॉस्फेयर लाइट प्लस इसमें जो इंटीरियर ट्रिम सेट लगाया था किस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमने लगाया हुआ है ये पूरा इसका एम्बियंट लाइटिंग बहुत खूबसूरत बना के दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा जो है वुडन ट्रिम सेट लगाया हुआ है, बहुत अच्छी क्वालिटी का रहता है, बहुत अच्छी इसकी शाइनिंग और एक अलग ही आपको लुक प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पैरों के पास लगी हुई एटमॉस्फेयर लाइट वो पूरी इसके अंदर आपको अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमने डैशबोर्ड के ऊपर भी पूरा ट्रिम सेट लगाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही बार में ये फुर्सत एक महीने तक जितनी ये जो पूरा है ये हमने पूरा ट्रिम सेट लगाया हुआ है। यहाँ पे अगर हम कुछ आपको पीछे का गेट का लुक दिखाएं तो कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरों के पास भी काफी आपको अच्छा एम्बियंस देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब हम आपको दिखाते हैं जो हमने इसमें बैक कैमरा लगाया हुआ है वो किस तरीके से वर्क करता है। ये पूरी 10 इंचेस की स्क्रीन है, ये भी आप देख सकते हैं ये बैक कैमरा दिखा रहा है पूरा, और हम आपको इसमें फ्रंट कैमरा भी दिखाते हैं कि फ्रंट कैमरा किस तरीके से आता है पूरा इसके अंदर। यहाँ पे ऊपर फ्रंट कैमरे का ऑप्शन दिया गया है, देखिए इसमें आप साइमल्टेनियसली फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। और प्लस इसके अंदर क्या है, आप कैमरे को एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप कोई सा कैमरा सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए ऊपर नीचे जैसे ये हो रहा है तो आपको पूरा व्यूइंग एंगल एक देखने को मिलेगा इसके अंदर। ये दोनों कैमरे जो हैं फ्रंट और बैक के दोनों एडजस्टेबल हैं। ये बैक का कैमरा है, अगर पार्किंग करने में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, वो भी अंदर से ही एडजस्ट हो जाएगा ये आपका। तो ये जो लगा हुआ है ये पूरा DVR लगा हुआ है, इसके अंदर आप लोग रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो अधिकतर जो आपका जो DVR का काम होता है वो भी पूरा इसके अंदर हो जाएगा, प्लस आपको कैमरे की पार्किंग के लिए चाहिए तो पार्किंग का काम भी पूरा हो जाएगा। देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है, स्क्रीन भी काफ़ी बड़ी है, पूरी IPS डिस्प्ले है, और जो कैमरे की क्वालिटी आप देख रहे हैं जैसे कि बहुत अच्छी क्वालिटी का ये कैमरे लगे रहते हैं, तो आपको सारी चीज़ें बहुत क्लियरली नज़र आएंगी और सब कुछ अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे आप देखिए ये जो पूरा इसका एम्बियंट है, आप कलर एम्बियंट देखेंगे इसमें नीचे भी और ऊपर भी दोनों बोथ आप एक ही ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कलर चेंज कर रहे हैं, आप पीछे देख रहे होंगे कि कलर चेंज होता जा रहा है पूरा, बहुत ही शानदार सिस्टम लगता है ये। आप अपने मोबाइल ऐप के थ्रू इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, पूरा देख सकते हैं कि आपको कौन सा आपको कलर चूज़ करना है। इसके अंदर एक चीज़ और है, आप म्यूज़िक मोड, इसमें हम आपको म्यूज़िक मोड दिखाते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे आपने इसको अपने ऐप में म्यूज़िक मोड में डाल देना है,
और उसके बाद आपको अपनी कोई सा भी म्यूजिक जो है प्ले कर दीजिएगा। जैसे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा म्यूजिक मोड में वर्क कर रहा है। पूरी गाड़ी के अंदर जब ये एम्बियंट बनाता है तो काफी अच्छा लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लुक प्रोवाइड होता है गाड़ी को एक इससे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वुडन किट भी हमने लगाई हुई थी इसके अंदर, देखने में काफी खूबसूरत लगती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ऐसी हमने जो है पीछे वाले गेटों में भी आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए, तो अगर आपको भी अपनी नेक्सन में इस तरीके का कुछ काम करवाना है तो आप भी आ सकते हैं स्टार कार डेकोर में, जो कि एमपी नगर जोन 2 भोपाल में सिचुएटेड है। आने से पहले एक बार कॉल ज़रूर कर लीजिएगा, नंबर है 9144108110। थैंक यू।